कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले भारत की संवैधानिक इतिहास अपने को पढ़ना पड़ेगा। जब तक भारत का इतिहास कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया अपने ने नहीं पढ़ी, तब तक हम भारत नहीं बता सकते कि भारत है क्या और कैसा भारत है, क्यों संविधान ऐसा है, क्यों संविधान को सेकुलर कहा गया, क्यों संविधान सेकुलर है और सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है। ये सब आपको भारत के हजारों साल के इतिहास को जानने के बाद ही पता लगेगा कि भारत में ये आज का संविधान कितना प्रासंगिक है। अगर आपने भारत न समझा तो भारत के संविधान को नहीं समझा जा सकता, और भारत के संविधान को नहीं, संसार के किसी देश के संविधान को उस देश की मूल प्रवृत्ति को समझे बगैर नहीं समझा जा सकता। अगर उस देश की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई संविधान बनेगा तो वो संविधान वहां चल नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान ने संविधान बनाया, तीसरी बार संविधान बना चुके हैं वो। मूल प्रवृत्ति क्या है? भारतीय। पाकिस्तान मूल प्रवृत्ति भारतीय है और संविधान बना रहे हैं इस्लामिक। तो देश की प्रवृत्ति उस स्थान की, उस जन्मभूमि की, उस भूमि की स्थिति, उस भूमि के स्वभाव के बगैर अगर आप किसी अन्य देश के प्रवृत्तियों को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो उस देश में वो संविधान बहुत अच्छा नहीं चलाया जा सकता, जैसा पाकिस्तान में नहीं चलाया जा सकता चला चलाया जा सका। और बार बार संविधान बनाने की प्रक्रिया में वो रहते हैं, कब जनरल शासक होगा और नया जनरल बन बैठेगा और कब संविधान बदल देगा, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी मूल प्रवृत्ति है हिंद कुश पर्वत से लेकर और हिंद महासागर तक हिंदुस्तान है। इसकी हजारों साल की अपनी स्थिति है, इसकी हजारों साल का अपना इतिहास है। इस इतिहास से में रजमण कर ये ब्लड बना है, और अब इस ब्लड में जो यहां पर है, जो यहां की मूल प्रवृत्ति है, जो इस मिट्टी की मूल प्रवृत्ति है, जो इस धरातल की मूल प्रवृत्ति है, जो यहाँ की नदियों की प्रवृत्ति है, जो यहाँ के पहाड़ों की प्रवृत्ति है, जो यहाँ की हवाओं की प्रवृत्ति है, जो यहाँ की जलवायु की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के विरुद्ध अगर आप कोई संविधान बनाएंगे तो ऐसा संविधान उस देश के लिए बहुत अच्छा संविधान नहीं बन सकता और बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। और अगर चला दिया तो वो देश गृहयुद्ध की स्थिति में चला जाएगा। कोई दूसरा अगर मानेगा, ये कहे कि मुझे इस्लामिक शासन हिंदुस्तान में स्टैब्लिश करना है, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान का बाकी हिस्सा हो, अगर वो कहेगा मैं इस्लामिक तरीके से यहां शासन चलाना चाहता हूं, तो 800 वर्षों के मुगल शासन के बाद बावजूद हिंदुस्तान पुनः स्वतंत्र हो जाएगा और शासन खत्म हो जाएगा। मुगलों ने बहुत प्रयास किया कि वो हिंदुस्तान की धरती से अडॉप्ट करें, लेकिन उनके दिमाग में इस्लाम शामिल था, इसलिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट को वो यहां लागू करना चाहते थे। अतः नतीजा ये निकला कि बहुत दिनों तक नहीं चल सका। और वही अंग्रेज करना चाहते थे तो नतीजा निकला बहुत दिनों तक शासन नहीं चल सकता। ऐसे ही किसी देश में अगर संविधान, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई भी संविधान बनाएगा, कोई भी स्थितियां लेकर आएगा, तो गृहयुद्ध की स्थिति में वो देश चला जाएगा। ये सारे संसार के देशों की स्थिति है। खाड़ी है, पारस है, बेबीलोन है, फारस है, ये इस्लामिक कंट्री नहीं थे, लेकिन वहां इस्लाम लागू करवा दिया और जबरदस्ती इस्लाम लागू करवा दिया। नतीजा निकला कि संसार के 56 देश लगातार गृहयुद्ध में हैं पिछले 1500 साल से। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति दूसरी है, उस मिट्टी की प्रवृत्ति दूसरी है, और कॉन्सेप्ट अगर कहीं वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फल फूल सकता है तो वो वहां फल फूल सकता है जहां उसकी पैदाइश हुई, क्योंकि उस पैदाइश के अनुसार ही वो बना होगा। इसलिए किसी भी संसार के किसी भी देश में संविधान की मूल प्रवृत्ति उस देश की मूल प्रवृत्ति से मैच करनी चाहिए। अगर उस देश की मूल प्रवृत्ति से उस देश का संविधान मैच नहीं करता तो वो संविधान देश को बहुत दिनों तक चला नहीं सकता, और बारंबार संविधानिक संकट देश में आते रहेंगे, और एक दिन गृहयुद्ध होकर कोई संविधान लागू कर देगा, और अगर भारत की प्रवृत्ति के अनुसार भारत में शासन नहीं होगा तो, या लोगों को वो प्रवृत्ति समझ नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन के व्यक्ति हो, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि भारत गृहयुद्ध के बाद फिर गुलाम हो सकता है।
इसलिए किसी भी देश में, जैसे आप अपने गांव में रहते हैं, हमने बहुत बार देखा होगा शहर का कल्चर दूसरा है, गांव का कल्चर दूसरा है तो देश एक ही। हमारी जाति भी नहीं बदली, हमारा धर्म भी नहीं बदला, हमारा रिलीजन भी नहीं बदला, लेकिन हम गांव में दूसरा व्यवहार करते हैं और शहर में दूसरा व्यवहार करते हैं। गांव में दूसरा और शहर में दूसरा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि शहर की मिट्टी की हाव हवा दूसरी है और गांव की मिट्टी की हाव हवा दूसरी है। इसलिए दोनों जगह पर अगर आपने एक ही नियम लगाया तो यह संभव है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा उस मिट्टी के प्रारूप के अनुसार। जहां आपका अपना गांव है, किसी दूसरे का गांव है, किसी रिश्तेदार का गांव है, वहां आपको वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा जो वहां के रूल्स रेगुलेशंस वहां जैसे चलता है। ठीक है, अब भारत कैसे बना, थोड़े से इतिहास के पीछे भारत के जाते हैं। जैसे ही आपको वो भारत का इतिहास थोड़ा सा पता लगेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि संविधान जो हमारा बना वो ऐसा क्यों बना, इस संविधान की मूल प्रवृत्ति क्या है, क्या संविधान भारत की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है या भारत का संविधान भारत की मूल प्रवृत्ति के ही अकॉर्डिंग है, और इस संविधान की उम्र कितनी हो सकती है, वो आपको भारत समझने के बाद समझ में आएगा। जैसे भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो व्यवस्था ड्यूटी ओरिएंटेड समाज की है, मोक्ष की परंपराओं की है, सभी धर्म जाति संप्रदाय और सभी प्रकार के जीवों को संरक्षित करने की है। कोई अगर ये कहे कि ये इस रिलीजन के खिलाफ हैं तो आपको देखना चाहिए, रिलीजन तो बहुत दूर की बात है, भारतवर्ष में चूहे बिल्ली के भी खिलाफ भारत नहीं रहा। भारत में चूहे को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, बिल्ली को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, कीटाणुओं को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, सिर्फ उनको मारा गया है, सिर्फ उनसे बचाव किया गया है जो हमारे लिए सीधा हानिकारक हो, उनसे बचाव करने की कोशिश की है हमने, उनको किल नहीं किया, हम मारते नहीं है। अगर मच्छर भी पैदा हो गया तो मच्छर मारने के लिए हम कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करते, हम नीम की निवोरी जलाते हैं जिससे मच्छर वहां से भाग जाएगा, हम मारते नहीं उसको। तो जब हम किसी भी जीव जंतु के मूल प्रवृत्ति जो उसकी है, जिसके लिए ऊपर वाले ने उसको जन्म दिया है, उसके विरुद्ध नहीं होते तो हम किसी के रिलीजन के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं, हम किसी के रिलीजन को चैलेंज कैसे कर सकते हैं। हम उसके रिलीजन, उस जीव जंतु प्राणी को तभी चैलेंज करते हैं जब वो इस संस्कृति के मूल स्वभाव के विरुद्ध जाएगा। जब वो कहेगा कि मुझे मांस खाना है तो भारत रिटेलिएट करेगा, जब वो कहेगा कि मुझे महिला का अनादर करना है, तीन विवाह चार विवाह करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, उसके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं, उसके अधिकारों से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें बच्चा पैदा करना, ये ऊपर वाले की आदेश है, तो फिर भारत की मूल मिट्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि भारत का स्वभाव नहीं है ऐसा। हम जो है उसको, जो हमारे घर में आगंतुक आता है, हम उसकी सेवा करना परम धर्म मानते हैं। हमारे दरवाजे पर जो आता है उस दरवाजे पर उसको भिक्षा देकर या उसकी मदद करके, उसको दान करके सर्वाइव करवाने की हमारी मूल प्रवृत्ति है, किसी का छीनना हमारी मूल प्रवृत्ति नहीं है, किसी के ऊपर जबरदस्ती शासन करना हमारी मूल प्रवृत्ति नहीं है, किसी को भी जबरदस्ती चलाना हमारी मूल प्रवृत्ति नहीं है, किसी के भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना हमारी मूल प्रवृत्ति नहीं। इसलिए भारतवर्ष में धर्म परिवर्तन का कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं हुआ, ऐसा भारत है। भारत में जो विजेताओं की लड़ाई है ऐसी कोई लड़ाई कभी नहीं रही, हमने क्षत्रियों को काम दिया और क्षत्रियों से कहा तुम्हारा काम है कि तुम सुरक्षा करो, क्षत्रिय मतलब आज की फौज, तो हमने कहा यह आपका काम है कि आप इसकी सुरक्षा करें, लेकिन हमने आपस में कभी वैमनस्यता नहीं रखी। ये भारत का मूल स्वभाव, इस स्वभाव के अनुरूप संविधान बनाएंगे तो वो संविधान चल सकता है। अगर इसके अनुरूप संविधान नहीं बनाएंगे या इसके अनुरूप संविधान का इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, इंटरप्रिटेशन बदलेंगे, तो फिर भारत उस पर विरोध करेगा।
कुछ लोगों के दिमाग में कीड़े हो सकते हैं, उन कीड़ों की वजह से वो प्रवृत्ति को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष की जो मेजोरिटी आबादी है, जो भारत समझती है, वो उसका विरोध कर देगी जो विरोध का विरोध कर रहे हैं। कैसे? भारतवर्ष में लंबे समय तक शासन विदेशियों का रहा और भारत एक संसार में ऐसा देश है जिसके इतिहास में यह दर्ज है कि देखते देखते दसियों विदेशी शासक भारत पर शासन करते रहे। भारत की मूल प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, भारत की जो सिस्टम है उस सिस्टम में अगर अंदर के लोगों ने भारत को समझे बगैर भारत का इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया, विदेशियों के बनाए हुए नियम धर्मों को भारत में जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की या स्वयं अडॉप्ट करने की कोशिश की, तो भारत ऐसा करने के 200-300 वर्षों बाद ही हमेशा गुलाम हो गया। कोई नई बात नहीं है। आप सीथियन, पर्शियन, अफगान, गुलाम, मुगल, अंग्रेज, इसके अलावा फ्रांसीसी, डच, सब तो भारत में आए, पुर्तगाली, सब भारत में आए, सबको भारत में शरण मिली, लेकिन उनकी मूल प्रवृत्ति थी भारत पर शासन करना, भारत को लूटना। इसलिए भारत के भोले भाले लोगों को पटाने के बाद उन्होंने वही किया जो वो करने आए थे, लेकिन उस समय भारत की मूल प्रवृत्ति के अनुसार हम उनके झांसे में आते चले गए और परिणाम ये निकला कि हम गुलाम हो गए। इसलिए जब भी संवैधानिक इंटरप्रिटेशन करना हो तो ऐसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए जो भारत की मूल सभ्यता के अनुरूप हो, भारत के स्वभाव के अनुरूप हो। भारत का स्वभाव क्या है? भारत का स्वभाव है कि हमारा जन्म जो हुआ है वो ड्यूटियों को लेकर हमारा जन्म हुआ है, हम कर्तव्यपरायण लोग हैं। जैसे संसार में प्रत्येक वस्तु कर्तव्यपरायण है, सूर्य का अपना धर्म है, चंद्रमा का अपना धर्म है, पृथ्वी का अपना धर्म है, फसलों का अपना धर्म है, नदी का अपना धर्म है, पेड़ का अपना धर्म है और पौधों का अपना धर्म है, वैसे ही हमारा भी धर्म है और ये एक भी कुछ आपसे मांगते नहीं है। इसी धर्म को पालन करते हुए हम भी इस धरा से कुछ मांगते नहीं हैं, किसी अन्य से कुछ मांगते नहीं हैं, हम संसार को देते हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दें। इसलिए हमारा कर्तव्य अपनी पत्नी के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध, अपने पति के विरुद्ध, अपने बच्चों के विरुद्ध, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध, अपनी सरकार के विरुद्ध, अपने लोगों के लिए हमारे कर्तव्य हैं। इसलिए हिंदुस्तान का जो मूल स्वभाव है वो कर्तव्यपरायण है। क्या हमने संविधान उस मूल स्वभाव के अनुरूप बनाया? हाँ, हमने संविधान उस मूल स्वरूप के अनुसार ही बनाने की कोशिश करी, लेकिन हम फंडामेंटल राइट सीख गए साथ में, तो ड्यूटी से ज्यादा हमने राइट को महत्व दे दिया और जिस समाज में ड्यूटी से ज्यादा राइट्स को महत्व मिलेगा वो समाज आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। इतना बड़ा यूरोप, इतना छोटा यूरोप और वो इतने सारे देशों में विभक्त हो गया, एक खाड़ी इतने सारे देशों में विभक्त हो गया, टुकड़े होने हैं उसकी, क्योंकि राइट राइट खेलोगे तो टुकड़े होंगे। जहां ड्यूटी ड्यूटी आप करेंगे वहां देश के टुकड़े नहीं होने वाले, जहां राइट राइट खेलेंगे वहां देश के टुकड़े होना स्वाभाविक है। पूरा खाड़ी उसका इलस्ट्रेशन है, पूरा यूरोप उसका इलस्ट्रेशन है। और हमने जो ये राइट वाला गेम खेला सीखा ना, हमने भी यूरोप से ये राइट वाला गेम सीख लिया और परिणाम भारत में दिखाई दे रहा है कि देखते देखते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और नीचे के देश धीरे धीरे भारत के टुकड़े, एक भारतीय सब कॉन्टिनेंट में अब कई देश बास करते हैं, जबकि ये हमारे वैदिक परंपराओं के अनुसार हिंद कुश से लेकर और हिंद महासागर तक एक भूमि है जो भारत है। ये वैदिक सभ्यता से भारत की बाउंड्री रही, लेकिन आज हिंद कुश माउंटेन से लेकर हिंद महासागर के बीच में 10 कंट्री हो गए। और जब तक हम ये राइट्स राइट्स खत्म नहीं करेंगे तब तक ये विभक्त होता रहेगा, भविष्य इसका अच्छा नहीं रहेगा। ये एक गलती कर गए। ठीक, अब हमको देखना है कि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी।
जैसे मैंने कहा कि भारत में ड्यूटी ओरिएंटेड समाज था, अंग्रेजों के आने के बाद ही राइट ओरिएंटेड समाज बनना शुरू हुआ। ये अंग्रेजों ने हमको राइट ओरिएंटेड समाज दिया जो हमने अडॉप्ट भी कर लिया, और अडॉप्ट करने का नतीजा निकला कि जैसे वो हैं, पड़ोसी से मतलब नहीं रखते और बच्चों से भी मतलब नहीं रखते, अपनों से भी मतलब नहीं रखते, सिर्फ राइट से मतलब रखते हैं, वैसा स्वभाव भारत के अर्बन एरियाज में आता जा रहा है और हमको दिख रहा है। और लोग भारत की मूल प्रवृत्ति से अब आजादी मांगने लगे हैं कि हमें चाहिए आजादी। काहे से? भारत की मूल प्रवृत्ति से आजादी, क्योंकि हम अब बिगड़ चुके हैं, हम राइट का डंका बजा चुके हैं और अब हम राइट राइट खेलेंगे। संसार बाढ़ में जाए, हिंदुस्तान कहीं भी जाए, हमें तो राइट चाहिए। जबकि भारत का समाज कैसा रहा? भारत के समाज में लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, लोगों ने बलिदान दिया है। शिव ने स्वयं जहर पिया है और तब संसार बचाया है। ये भारत का स्वभाव रहा, ठीक है ना। उसके अनुरूप संविधान का इंटरप्रिटेशन अपने ने करना है। क्या संविधान का इंटरप्रिटेशन उसके अनुसार हम कर सकते हैं, या क्या अच्छाई रही, क्या खामियां रही, क्या अच्छा है? ऐसा है, संविधान में अच्छी बातें भी हैं और मोस्टली अच्छी ही हैं, कुछ उसके रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी हैं। तो अब पहला प्रश्न ये है कि भारत अंग्रेजों के जाते समय कैसा था। जब तक आप ये ना समझ पाएंगे कि अंग्रेजों के जाते समय भारत की क्या स्थिति थी, कानूनी व्यवस्था क्या थी, तब तक आप सक्सेशन के रूप में कैसे सक्सेसर बनेंगे और नया संविधान कैसे बनाएंगे।